सो आफ्टर गोइंग थ्रू द न्यू वर्जन ऑफ गाइड जो आप लोगों को अभी मिला है, उसमें हमें दो पैकेजेस सर्वाइवल और जीजी प्लॉट और रिकमेंड करे गए कि ये भी अगर आपके पास होंगे तो ठीक रहेगा। सो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दी पैकेजेस, पहली बात इंस्टॉल कैसे करना है मैं दोबारा से वो रिपीट कर देता हूँ। कुछ पैकेजेस स्पेशली से मेरे लैपटॉप में पर्टिकुलरली मार्कोव चेन का जो पैकेज था वो 3.5.2 पे रन नहीं कर रहा था, सो मैंने उसको फिर एक और वर्जन आके 3.5.3 पे अपडेट करा है। आई एम यूजिंग अ मैकबुक, सो आई थिंक विंडोज में 3.5.2 पे काम कर रहा है। अगर आप में से कोई मैकबुक यूज कर रहा है तो शायद एक बार आप 3.5.3 पे जाके देखना, वो पैकेज आराम से फिर इंस्टॉल हो जाएगा और काम करेगा आपका पैकेज। सो अगर आपके 3.5.3 ऑलरेडी है तो आई थिंक देयर इज नथिंग टू वरी, बिकॉज हमारा मेन पर्पज है ये सारे पैकेजेस हमारे पास होने चाहिए। 3.5.2 कम से कम होना चाहिए, उसके आगे कुछ भी है सो देयर इज नथिंग टू वरी। 3.5.2 कम से कम पैकेज आपके पास होना चाहिए बिकॉज उसी में ये पैकेजेस आपके अल्टीमेटली इंस्टॉल हो पाएंगे। सो दिस इज द वर्जन दैट वी नीड, 3.5.2, एंड जस्ट इन केस यू हैव 3.5.3 नथिंग टू वरी। सो कोई भी पैकेज अगर मुझे इंस्टॉल करना है तो सिंपल कमांड आई वुड यूज अगेन इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, एंड कोड्स के अंदर मैं पैकेज का नाम दे दूंगा, सब कुछ स्मॉल लेटर में बेटा सारे पैकेजेस के अंदर। तो अगर आप एफपीपी डाउनलोड कर रहे हो तो कोड्स में एफपीपी, मार्कोव चेन डाउनलोड कर रहे हो तो कोड्स में मार्कोव चेन, जो भी नाम आपके पैकेज का आप दे सकते हो। अगेन केस सेंसिटिव है सारी चीजें, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वंस यू हैव इंस्टॉल द पैकेजेस, मेक श्योर कि आप यहाँ पर जाओ अपने पैकेजेस के अंदर और यहाँ पे चेक कर लो वो पैकेजेस पे टिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे एग्जाम में पैकेजेस हमें बोले गए जैसे कि एफपीपी सबसे पहला पैकेज है, सो मेक श्योर कि वो टिक हो, नहीं है तो आप खुद से टिक कर सकते हो, तो उसकी लाइब्रेरी आपका आर के अंदर आ जाएगी और आप उसके फंक्शंस यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला सर्वाइवल पैकेज, तो मैंने अभी सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए हैं तो सब पे मेरा टिक लगा हुआ है। सो मेक श्योर कि आप भी जब पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आप पैकेजेस में जाओ एंड देन इसको टिक जरूर करो। टिक नहीं करोगे तो पैकेज इंस्टॉल तो हो जाएगा लेकिन वो अल्टीमेटली आप यूज नहीं कर पाओगे उसको। सो मेक श्योर कि ये सारे जो भी पैकेजेस बोले हैं वो यहाँ पैकेजेस में जाके यहाँ पे जो भी ऑप्शंस अपने पास सारे आ रहे हैं सब में वो अल्टीमेटली हमारे काम के जो पैकेजेस हैं वो सब में टिक होना चाहिए। जब मैं मार्कोव चेन का पैकेज इंस्टॉल करने के बाद यूज कर रहा था, हो सकता है आपके केस में कह रहे रहे कि आर लैंग नॉट फाउंड, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ सकता है आपके पास। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो अगेन ये पैकेज भी आपको जाके अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। आर लैंग इंस्टॉल करने का प्रोसीजर सेम है, अगर मान लो कोई भी एरर रन करते वक्त आई थिंक उसमें वो भी बोलता है कि क्या आप सोर्स की फाइल यूज करना चाहते हो, सोर्स फाइल आप यूज करोगे तो शायद वो ठीक से रन नहीं हो रही थी मेरे केस में। सो उस ऑप्शन को आप नो कर देना, वो आराम से इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन आप यहाँ पे जाके अगेन आर लैंग चेक करोगे तो वो टिक होना चाहिए आपका, नहीं है तो आप मैनुअली उसे टिक कर सकते हो। सो वंस यू हैव इंस्टॉल्ड ऑल दी पैकेजेस, हम बेसिकली दो पैकेजेस को बहुत डिटेल में यहाँ समझने जा रहे हैं, एक है मार्कोव चेन का पैकेज और एक है सर्वाइवल फंक्शन वाला पैकेज। मार्कोव चेन का पैकेज हालांकि उतना बड़ा यूटिलिटी नहीं है, उसमें मोर और लेस काम एक जैसा ही है, बस एक काम बहुत सिंपल हो जाएगा हमारे लिए, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जब मैं गो थ्रू करूँ आपको एग्जांपल में बता दूंगा। सर्वाइवल पैकेज में जरूर कुछ चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल कैप्लन मियर एस्टिमेट निकालना है या नाल्सन आलन निकालना है, तो अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करके आए उन चीजों को, वो हमारे लिए काफी आसान हो जाएंगी यहाँ पे। और आपके स्पेसिमेन पेपर में जो क्वेश्चन है वो भी मैं अभी कवर कर दूंगा, जस्ट इन केस अगर कोई डाउट आपके दिमाग में रह जाए कि कैसे उसे यूज करना, तो आई विल कवर दैट क्वेश्चन एज वेल यहाँ पर पूरा। एफपीपी इज अ पैकेज जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा सेट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ डेटा सेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा था कुछ अपना एक डेटा सेट उसके अंदर और एयर करके है, तो वो मेरे हिसाब से एयरलाइंस का डेटा होना चाहिए। एंड एक पैकेज सपोज उसमें लंग नाम से डेटा है This will be using in our survival analysis वाले केस में, तो ये सारा FPP के अंदर there are only data sets, तो उसमें कुछ ऐसे functionality नहीं है समझने के लिए। अगर FPP installed नहीं है, अगर ये वाला package installed नहीं है और exam में by chance उसने बोला कोई ऐसा data set use करने को जो FPP के अंदर है तो अपने फंस जाएंगे। So make sure ये FPP अपना installed हो उस time पर package आपका exam में जाने से पहले। अगेन forecast is a package जो मैं बोल रहा हूँ बहुत, उसमें बहुत सारे functions ultimately time series में काम आ रहा है, एंड आई वुड से कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फोरकास्ट को अपने बिल्कुल भी यूज करने नहीं वाले हैं। फोरकास्ट का जो मैं मेरे पास एक पीडीएफ है जो मैंने डाउनलोड करा था उनकी वेबसाइट से, वो मैं आपको अगर हल्का सा दिखा दूं यहाँ पे, सो दिस इज अ पीडीएफ ऑफ 132 पेजेस एंड इसके अंदर देयर आर नंबर ऑफ फंक्शंस, मतलब अल्टीमेटली लाइन लगी पड़ी है फंक्शंस की। मैंने जितने फंक्शंस देखे और जो फंक्शन अभी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं मुझे उतना ज्यादा कोई फायदा दिखाई नहीं दिया इस पैकेज का पर्टिकुलरली, एंड गिवन टाइम क्रंच अपने साथ है अभी। सो मेक श्योर टाइम सीरीज में जो हम कमांड्स अभी यूज करते आ रहे हैं उसी पे रहें और उसको हम अल्टीमेटली यूज करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो फिर आता है पैकेज आपका रीडार, दैट इज ओनली जब हमें टेक्स्ट को रीड करना है उस केस में पैकेज काम आएगा। अगेन इसमें भी फंक्शंस इतने सारे नहीं है,
एंड जीजी प्लॉट भी सिर्फ ग्राफिक्स के काम में आ रहा है अल्टीमेटली। सो मेनली दो ही पैकेजेस है जो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करेंगे, पहला मार्कोव चेन है और दूसरा है आपका सर्वाइवल वाला पैकेज। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मार्कोव चेन का और आई एम गोइंग थ्रू कोर रीडिंग से ही। अगर मैं कोर रीडिंग में जाता हूँ, सो कोर रीडिंग के अंदर पेज नंबर 46 पे मैं स्पेशली कोर रीडिंग का हवाला इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आप चाहो तो एक कमांड एज इट इज वहां पे यूज कर पाओगे एंड ऑब्वियसली यू आर अलाउड टू कीप दिस इन एग्जाम। सो ये अपने साथ रख के आपको एटलीस्ट सिंटेक्स पता लग जाएगा। सो क्या करके देखा, ऑल्दो इस कमांड में गलती है जो बुक में यूज हो रहा है, मैं उसको भी करेक्ट कर दूंगा यहाँ पर। सो मार्कोव चेन, सो वो एम्प्लॉयमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहा है एंड अगेन क्योंकि मेरे केस में मार्कोव चेन इंस्टॉल्ड है तो न्यू इज द मेन फंक्शन, जो न्यू है वो फंक्शन है और वो फंक्शन काम कर पा रहा है बिकॉज मार्कोव चेन इंस्टॉल्ड है मेरे आर के अंदर। सो न्यू के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी नई जनरे कोई भी नई ट्रांजिशन मैट्रिक्स मार्कोव चेन की अल्टीमेटली डिफाइन कर सकता हूँ आर के अंदर। सो यहाँ पर फायदा क्या है पैकेज का, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली बात, जो काम आप अलग अलग टुकड़ों में करते आ रहे थे, पहले अलग से मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे थे, देन अगर मुझे नाम तो हमने कभी रखा नहीं मैट्रिक्स का, सो हम यहाँ पर नाम भी असाइन कर सकते हैं हर स्टेट का। आप पैकेज डायरेक्टली मैट्रिक्स इंस्टॉल कर सकते हो, ये काम आप ऑलरेडी कर रहे थे वहां पे भी, मैट्रिक्स वाला पार्ट तो आप ऑलरेडी कर रहे थे, बस यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं मैट्रिक्स इनपुट कर रहे हैं, साथ में उसको नाम भी दे रहे हैं और एक ही बार में सारा काम हो जा रहा है। दिस इज नॉट दी ओनली थिंग, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आसान हो गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मार्कोव चेन के अंदर बोल रहा हूँ, आप परसेंटेज स्टार परसेंटेज कमांड यूज कर रहे थे बट आप डायरेक्टली और डायरेक्टली पावर्स लगा सकते हो। जैसे हमें पावर 10 जाने के लिए फंक्शन बनाना पड़ा था लूप के थ्रू जाके, वो सब नहीं करना पड़ेगा पैकेज में। वो एडवांटेज है हमारा कि अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स को रेस टू द पावर 10 करना है तो मैं नॉर्मल नंबर की तरह रेस टू पावर 10 कर सकता हूँ। नॉर्मल नंबर्स की जैसे आप रेस टू पावर 10 करते हो वैसे आप मैट्रिक्स ही कर पाओगे गिवन मार्कोव चेन का पैकेज आपका यहाँ पर अभी इंस्टॉल्ड है। सो पहला सिंटेक्स में न्यू इज द फंक्शन जो हमें यूज करना है, देन कोट्स के अंदर मार्कोव चेन, थ्रू दिस आई एम कॉलिंग माई पैकेज, जो पैकेज मार्कोव चेन है उसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। एंड देन आता है स्टेट्स। अब ये काम आप चाहो तो बाहर भी कर सकते हो स्टेट वाला, या फिर डायरेक्टली इसके अंदर कर दो कि स्टेट्स अगेन नेक्स्ट इनपुट है और वहां पे मैं अपनी स्टेट्स के नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे तीन स्टेट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड क्लेमिंग बेनिफिट यानी अनएम्प्लॉयड और इनएक्टिव, ये तीन स्टेट्स हैं और स्टेट्स क्योंकि हमारा कैरेक्टर है तो उसको हमने कोर्ट्स के अंदर यहाँ पे पुट करा। थर्ड इनपुट जो हम कराएंगे दैट इज ट्रांजिशन मैट्रिक्स, दैट इज ट्रांजिशन मैट्रिक्स, अगेन ये ऐसे ही लिखा जाएगा ट्रांजिशन मैट्रिक्स, और वहां पे हम अपनी मैट्रिक्स को इनपुट कराएंगे जैसे आप नॉर्मली इनपुट करा रहे थे एक्सेप्ट वन पॉइंट। यहाँ पे बायरो करके आर्ग्यूमेंट है, अगर आप इस आर्ग्यूमेंट को यूज नहीं करना चाहते हो आप हटा दो इस आर्ग्यूमेंट को, देन वी विल मेक श्योर कि ये कॉलम वाइज एंट्रीज मेरी लगी हुई हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैट्रिक्स कैसे इनपुट करता है डेटा को, कॉलम वाइज इनपुट करता है। सो मेक श्योर ये 9 वैल्यूज जो हो फिर आपकी कॉलम वाइज चल रही हो, यानी मैं 0.8, 0.5, 0.4, 0.1, 0.40 इस सीक्वेंस में चलूंगा अल्टीमेटली जाके। अभी के लिए मैं इनकी कमांड को पहले आपको समझा दे रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जो पहली गलती है वो ये है कि मैट्रिक्स डेटा इज इक्वल टू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, डेटा नाम का कोई चीज हमने बनाया नहीं है। सो मैट्रिक्स के अंदर सीधा मैं अपना वेक्टर दिखा रहा हूँ, सीधा वेक्टर दिखा रहा हूँ और वेक्टर को क्योंकि ये बाय रो, और दूसरा ये बाय रो इज इक्वल टू बाय रो बोल रहा है ये भी गलत है, ये ट्रू होना चाहिए। क्या बाय रो इनपुट करना चाहते हो तो मैंने बोला ट्रू, अगर मैं बाय रो नहीं यूज कर रहा हूं तो आई एम अगेन रिपीटिंग आप इसमें जो एंट्रीज फिल करोगे वो एंट्रीज सारी कॉलम वाइज होनी चाहिए, वो सारी एंट्रीज कैसे होनी चाहिए कॉलम वाइज। एंड एट लास्ट आई एम डिफाइनिंग हाउ मेनी रोज आई वांट एंड सबसे लास्ट में मैं नेम डिफाइन कर रहा हूँ पूरी ट्रांजिशन मैट्रिक्स का, और जिसको आप अपने केस में चाहो तो हम कैपिटल पी से प्रेजेंट करते थे, आप चाहो तो इसे कैपिटल पी बोल दो, ये सिर्फ मैट्रिक्स का नाम है यहाँ पे। सो हमने क्या क्या इनपुट कराया फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो मेन फंक्शन इज न्यू, अगर मैं शुरुआत से टाइप करूँ सपोज एक और कोई एग्जाम्पल उठा लेते हैं कि सपोज मैं कोई टीपीएम बनाना चाहता हूं तो मेरा मेन फंक्शन इज क्या, न्यू, मेन फंक्शन इज न्यू एंड पहली चीज आई विल बी कॉलिंग इज माय पैकेज दैट इज मार्को चेन कोट्स के अंदर स्मॉल में सारा कुछ। नेक्स्ट चीज मैं क्या कॉल कर रहा हूं अपना स्टेट्स, तो स्टेट देखो ब्रैकेट में दिखा रहा है मार्को चेन, यहां पे काम आने वाला है स्टेट अपना। एंड सी के अंदर सपोज मैं तीन स्टेट्स बना दे रहा हूं अपनी कोट्स के अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी, देन थर्ड इनपुट अपना क्या है तो आप बोले ट्रांजिशन मैट्रिक्स। अब और ट्रांजिशन मैट्रिक्स में जो डेटा इनपुट करना है वो मैट्रिक्स फॉर्म में इनपुट करना है,
एंड अगेन अब मैं बायरो को ट्रू नहीं करूंगा, यानी जो मैं टीपीएम यहाँ पे इनपुट कराने जा रहा हूँ दैट इज अ कॉलम वाइज टीपीएम, जो टीपीएम इनपुट कराऊंगा वो कैसी होगी बेटा, कॉलम वाइज होगी। तो सपोज जो मैं टीपीएम यूज कर रहा हूँ दैट इज मेट्रिक्स के अंदर मैं इनपुट कर रहा हूँ सी, तो 0.2, 0.3, 0.4, मैं रैंडमली कोई भी नंबर्स ले रहा हूँ, देन हमारा से 0.5, 0.5, 0.5 और लास्ट में मेरे बैलेंसिंग आइटम आ जाएंगे, तो 0.7 का बैलेंसिंग आइटम बन गया मेरा 0.3, देन 0.2 एंड देन 0.1। तो ये होगा क्योंकि मैं बाय रो को ट्रू नहीं करना चाह रहा, तो मैं बाय रो को अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पे चल के, एंड देन लास्ट में मैं क्या स्पेसिफाई करूंगा, इस मैट्रिक्स की सारे एलिमेंट्स पुट हो गए कि नंबर ऑफ रोज जो मैं यूज करूंगा दैट इज 3, तो नंबर ऑफ रोज मैं यूज करना चाह रहा हूँ वो 3, अब नंबर ऑफ कॉलम 3 कर दो वो भी काम कर जाएगा, एंड जो लास्ट में मैं नेम रखना चाह रहा हूँ इस मैट्रिक्स का से दैट इज P1। सो इफ आई रन अपना पहले वाला कमांड पूरा जो मैंने कॉपी करा है बुक से विद, लेकिन उसमें मैंने दो चेंजेस कराए, अगेन रिपीटिंग, एक तो ये मैट्रिक्स के सामने से डेटा और इज इक्वल टू हटाया उसका कोई सेंस नहीं है, और दूसरा मैंने क्या करा है यहाँ पर जो इन्होंने बायरो इज इक्वल टू बायरो लिखा था वो बायरो या तो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, ट्रू है तो आपको यूज करना पड़ेगा, जैसे मैंने यूज ही नहीं करा अपनी कमांड में बायरो तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स ही मान के चलेगा उसको। तो अगर अब मैं एम्प्लॉयमेंट को कॉल करूं जिसमें मैंने सेव करी है अपनी मैट्रिक्स, तो यू विल सी वो यहाँ पे दिखा रहा है कि नाम आपने मैट्रिक्स का क्या रखा है, पी रखा है, एंड इट्स अ 3-डायमेंशनल डिस्क्रीट मार्कोव चेन डिफाइंड बाय फॉलोइंग स्टेट्स एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड एंड इनएक्टिव, ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो है वो ये बन के आ रही है, एंड विच मैचेस जो यहाँ पे बुक में ट्रांजिशन मैट्रिक्स दे रखी है, हम उसी का ग्राफ बना रहे थे। अगर मैं अपने वाले एग्जाम्पल को कॉल करता हूँ, मैंने यहाँ कॉमा लगाना भूल गया, कॉमा कर देते थे, और मैं अब टीपीएम को कॉल करूं तो यू विल सी वो बता रहा है कि मैट्रिक्स का नाम इज P1, मैट्रिक्स का नाम इज P1 एंड अगेन इसे 3-डायमेंशनल डिस्क्रीट मार्कोव चेन डिफाइंड बाय फॉलोइंग स्टेट्स ABC, क्योंकि मैंने नाम क्या रखे थे उसके ABC, एंड ट्रांजिशन मैट्रिक्स बाय रोज इज डिफाइंड एज फॉलोज, तो बाय रोज ऑल्दो बोल रहा है लेकिन मेरे केस में बाय रो क्या था अपना फॉल्स था, और आप देखोगे इसने जो एंट्रीज इनपुट करी है वो बाय कॉलम इनपुट करी है, जो एंट्रीज इनपुट करी है वो बाय कॉलम इनपुट करी है जाके। सो ये हो गया मार्कोव चेन को डायरेक्टली एक बार में डिफाइन करने का तरीका, जिसको हम कर रहे थे मैट्रिक्स को एक एक करके पॉपुलेट कर रहे थे अपने जाके, बस इतना काम हमारा था, ये इतना टाइपिंग आप तब भी कर रहे थे मैट्रिक्स इनपुट करने वाला, बस हुआ क्या अब मेन एडवांटेज आपको समझ में आएगा कि हमने जो करा उसका मेन फायदा क्या। तो सपोज अब मैं जो मैट्रिक्स एम्प्लॉयमेंट है जो हमने बनाई टीपीएम उसका स्क्वायर चाहता हूँ, उसका क्या चाहता हूँ स्क्वायर चाहता हूँ, तो डायरेक्टली मैं रेज़ टू द पावर 2 करूंगा वो मुझे स्क्वायर निकाल के दे देगा, और पहले जो हम डिफाइन कर रहे थे मैट्रिक्स को और हम स्क्वायर करते थे तो वो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का स्क्वायर कर देता था, अब आप देखोगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का स्क्वायर अगर पहले वाले केस में मैं स्क्वायर करता तो वो 0.8 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर एंड सो ऑन ऐसे करके देता, अब वो प्रॉपर तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ही कर रहा है और आपको क्या करके दे रहा है स्क्वायर करके दे रहा है, आपको क्या करके दे रहा है स्क्वायर करके दे रहा है। अब सपोज मुझे इसका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था तो मैं कॉल करूंगा एम्प्लॉयमेंट, और अब क्योंकि मुझे फंक्शन चलाना नहीं है, कोई लूप मुझे चलाना नहीं है, डायरेक्टली पावर क्या कर देता हूँ उसकी जाके 100 कर देता हूँ, मैं डायरेक्टली इसकी पावर क्या कर देता हूँ 100, एंड व्हाट आई एम नोटिसिंग कि 100 पे जाने के बाद मेरे जो आंसर्स आ जा रहे हैं वो कैसे हो जा रहे हैं, कॉन्स्टेंट हो जा रहे हैं, और कॉन्स्टेंट हो जा रहे हैं अगर सारी स्टेट्स के आंसर, तो हम बोल सकते हैं कि मेरी मार्कोव चेन स्टेशनरिटी को अचीव कर चुकी है, और ये उसका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है उसका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आ रहा है। अब नेक्स्ट चीज अगर देखे चल के, तो जिस तरह के क्वेश्चन हम कर रहे थे, हम पहले इनिशियल स्टेट डिफाइन कर रहे थे, अगर मैं उसकी कमांड को यहाँ से भी कॉपी कर ले रहा हूँ कि इनिशियल स्टेट जो है हमारी वो सपोज यही 100 है, यानी अभी आदमी एम्प्लॉयमेंट स्टेट में है और मैं निकालना चाहता हूँ आफ्टर 3 मंथ्स क्या होगा, और सपोज ये मंथली मेट्रिक्स ही फिर यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो एक बार का ट्रांजिशन है वो एक मंथ का ट्रांजिशन है, सो अगर मैं आफ्टर 3 मंथ्स देखना चाहता हूँ जो इसने कमांड लिखी इसको हम छोटा कर लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे इनिशियल साथ मल्टीप्लाई क्या करें, एम्प्लॉयमेंट को 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो या तो स्टार लगा लूं या तो मैं स्टार लगा लूं और आंसर निकालूं, तो आप देखोगे आपके आफ्टर 3 मंथ्स का जो आंसर आ रहा है वो 0.704, 0.121, 0.175 आ रहा है, या फिर दूसरा तरीका सेम काम को करने का था कि मैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डायरेक्टली क्या लगा देता जाके क्यूब कर देता, क्योंकि अब तो वो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन मेरी क्या कर रही है काम कर रही है, एम्प्लॉयमेंट रेस्ट टू द पावर 3, और अगर मैं अब आफ्टर 3 मंथ्स को कॉल करूं तो आई विल सी कि मेरा आंसर क्या निकल के आ रहा है, सेम आ रहा है,
सो पैकेज का जो हमें मेन फायदा हुआ वो हुआ है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आके, कि उसके लिए जो मुझे फंक्शन और लूप डिफाइन करना पड़ रहा था अब वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या करो डिफाइन करो और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सो मार्कोव चेन में डेफिनेटली हमें थोड़ा फायदा हो रहा है पैकेज डिफाइन करने का, कि मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया आगे। एंड सिमिलरली आप किसी भी टाइम, अब तो आप 6 महीना या 60 बार मल्टीप्लिकेशन करना है कुछ भी आप कर सकते हो, बिकॉज इट इज वर्किंग एज अ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसा आप काम कर रहे थे। सो हम अगेन रिपीटिंग सिंटेक्स, न्यू से स्टार्ट होगा, पहली चीज आप कॉल करोगे अपने पैकेज को कोट्स के अंदर, देन आप अपनी स्टेट्स को डिफाइन करोगे, देन अपना ट्रांजिशन मैट्रिक्स। अगेन कोड याद रखने की जरूरत है नहीं, बिकॉज ये कोड एज इट इज बुक में दिया हुआ है, बट मेक श्योर बुक से अगर कॉपी कर भी रहे हो जाके तो ये डेटा इज इक्वल टू, ये हटाना इसका कोई सेंस नहीं है। और ये बाय रो को अगर रखना है तो ट्रू करके रखना पड़ेगा, उस केस में वो बाय रो आपके एलिमेंट्स को इनपुट करेगा मैट्रिक्स के अंदर, और बाय रो को बिल्कुल यूज नहीं करते हो अगर आप उसी पे रहना चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट मैट्रिक्स कॉलम वाइज डेटा इनपुट करता है, तो आप टोटली इस बाय रो कमांड को डिलीट कर देना, आप टोटली इस बाय रो कमांड को एज इट इज डिलीट कर देना, आप कॉल करना नॉर्मली आपका कमांड काम कर जाएगी। सो नेक्स्ट जो पैकेज डिस्कस करें दैट इज सर्वाइवल पैकेज। मैं बुक का ही एक एग्जाम्पल कवर करूंगा, उससे पहले अगेन इसका भी पूरी फंक्शनैलिटी आपको कोर रीडिंग में दे रखी है, दैट इज ऑन पेज नंबर, जो आपकी मेन बुक है उसके पेज नंबर 20 पे आपको इसका जो सारा सिंटेक्स है वो मिल जाएगा। सो पैकेज का नाम सर्वाइवल है, जो फंक्शन हम लोग यूज करेंगे दैट इज सर्फिट फंक्शन, दैट इज सर्फिट फंक्शन, एंड दिस पैकेज विल ऑल्सो वर्क फॉर कॉक्स प्रोपोर्शनल हजार्ड मॉडल, उसका भी एग्जाम्पल मैं कवर करूंगा। जो मैं एग्जाम्पल आपको बोल रहा था कि मैं स्पेसिमेन पेपर का कवर करूंगा, उसके अंदर कॉक्स प्रोपोर्शनल हजार्ड मॉडल और कैप्लन मेयर दोनों का काम कवर हो रहा है। ऑल्दो यहां पर जो कोड दिया हुआ है सिर्फ कैप्लन मेयर के हिसाब से दिया हुआ है, बट मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे आप इसी सेम चीज को नाल्सन एलन के लिए अगर अडाप्ट करना चाहो तो वो अडाप्ट आप कर सकते हो जाके। सो कह रहा है ये आर कोड ये है जो आप एज इट इज यूज कर सकते हो, जिसके अंदर सबसे पहली चीज अगर आप देखोगे तो एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इन केस ऑफ कैप्लन मेयर दिस फॉर्मूला विल वर्क लाइक दिस, सर्व फंक्शन से काम करेगा सिर्फ केस ऑफ कैप्लन मेयर के लिए, क्योंकि प्रोपोर्शनल हजार्ड मॉडल इज अ सेमी पैरामीट्रिक मॉडल। बेटा जब हम कैप्लन मेयर मॉडल बना रहे हैं दैट इज अ नॉन पैरामीट्रिक मॉडल, वहां पर मेरा अकरेंस किसी पैरामीटर पर डिफाइंड नहीं है, डेथ का हम क्या मान के चल रहे थे, हम एक नॉन पैरामीट्रिक अप्रोच को फॉलो कर रहे थे एंड वी विल नॉट बी यूजिंग एनी स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले ये सर्व फंक्शन कैसे काम करता है वो डिस्कस करेंगे, एंड देन कैसे उसे मैं सर्फिट में ले जाके यूज कर सकता हूं फिर उस सिंटेक्स को समझेंगे। द एग्जांपल आई एम डिस्कसिंग इज द रैट वाला एग्जांपल जो हमने क्लास में कवर करा हुआ है। सो सबसे पहले अगर इस फंक्शन को देखें तो यहाँ पे टाइम और डेल्टा नाम के दो वेक्टर है, टाइम और डेल्टा नाम के दो वेक्टर है। सो टाइम वाले वेक्टर में हम क्या करते हैं, मैंने सारे डेटा को, जब मैं डेटा बोल रहा हूं तो मतलब एक एक इवेंट, जैसे 3 टाइम पे कोई इवेंट हुआ है, 4 पर इवेंट हुआ है, 6 पे इवेंट हुआ है, यहां पे मेरा इवेंट बोलने का मतलब डेथ और सेंसरिंग दोनों है, ये क्लास वाला इवेंट नहीं बोल रहा हूं, जिस भी टाइम पर कुछ भी एक्टिविटी हुई है वो टाइम को आप एक टाइम वेक्टर के अंदर रख दोगे ताकि। सो हमारे एग्जाम्पल में 3 टाइम पर एक इवेंट डेथ हुई है, 4 टाइम पे डेथ हुई है, 6 पे क्या हुई है सेंसरिंग हुई है, देन 11 पे 2 डेथ हुई है। प्लीज ध्यान से देखना, यहाँ पे 11 को मैं 2 बार लिख रहा हूं क्योंकि उसको वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा 11 में 2 डेथ, बिकॉज ये जो डेल्टा वेक्टर हम बनाएंगे दिस वर्क्स फॉर ओनली 2 थिंग्स, या तो 0 या 1, इसे 2 ही चीजें समझ में आ जाती है, 0 ये लेता है सेंसर्ड के लिए और 1 लेता है डेथ के लिए। तो अगर कोई टाइम ऐसा आता है जहां पर मल्टीपल डेथ्स हुई है या मल्टीपल सेंसरिंग हुई है तो उस टाइम को आप उतनी बार ही रिपीट करोगे टाइम वेक्टर के अंदर, एंड करस्पॉन्डिंग 0 या 1 की वैल्यू भी आप रिपीट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में हम आगे चलते चले जाए तो 30 पे 5 लाइव्स की क्या हुई है सेंसरिंग हुई है, सो 30 को मैंने डिफाइन करा है 5 टाइम्स यूजिंग रिपीट फंक्शन, ये 30 को रिपीट कर दो कितनी बार 5 बार, एंड सिमिलरली उनके करस्पॉन्डिंग सेंसरिंग का सेंसरिंग वाला चीज क्या होनी चाहिए 0, सो 0 को रिपीट कर दो 5 टाइम्स। सो 2 वेक्टर, एक टाइम का बनाना है और एक डेल्टा का बनाना है। टाइम के अंदर आपको सारे जो भी एक्टिविटी हुई है सारे टाइम्स को लिखना है, कोई टाइम पर 2 एक्टिविटी हुई है तो टाइम को 2 बार लिखना है, एंड डेल्टा के अंदर आप 1 और 0 जैसे आप कॉपी में डीजे के लिए डिफाइन करते थे कि अगर डेथ हुई है तो 1 और नहीं हुई है तो 0, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप डिफाइन करोगे। सो अगर मैं इन 2 वेक्टर्स को एक बार रन करूं और मैं टाइम को सपोज कॉल करता हूं तो ये मेरे सारे टाइम्स आ गए कि 3, 4, 6, 11, 11, 7, 21, इस टाइम पर कुछ एक्टिविटी डेटा में हुई है, और करस्पॉन्डिंग डेल्टा को अगर मैं कॉल करूंगा तो वो मुझे बता रहा है क्या 3 पे क्या हुआ है 1 यानी डेथ, 4 पे क्या हुई है डेथ, 6 पे क्या हुई है सेंसरिंग, 11 पे डेथ, फिर 11 पे डेथ, 17 पे सेंसरिंग एंड सो ऑन बन के आ रहा है डेटा। तो ये 2 चीजें अगर हम अभी हम डेटा फाइल इंपोर्ट करेंगे जब हमारा जो हमारा डेटा स्पेसिमेन पेपर है वहां में ये मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज अभी डेटा फाइल नहीं थी इसलिए हमने इसको इनपुट कराया। सो पहला जो फंक्शन वो बोल रहा है यूज करने को
दैट इज सर्व फंक्शन, दैट इज सर्व फंक्शन एंड इसका एस कैपिटल है, प्लीज ध्यान से देखना। तो अगर मैं सर्व फंक्शन लगाता हूं ऑन वेक्टर्स टाइम कॉमा डेल्टा, सब उसको एक बार के लिए मैं किसी ऑब्जेक्ट ए के अंदर सेव कर लेता हूं ताकि मैं रिजल्ट्स को कॉल कर सकूं, और ए को जब मैं कॉल करता हूं तो आप क्या देखोगे, प्लीज ध्यान से आउटपुट देखना। 3, 4 क्या थे, डेथ के टाइम थे, 6 क्या था, सेंसरिंग का टाइम था, सेंसरिंग वाले जितने टाइम है सबके सामने उसने प्लस लगा दिया कि 6 तक हमने ऑब्जर्व करा है, 6 के बाद क्या हुआ ये हमें नहीं पता, इसलिए 6 पे जो इवेंट हुआ है दैट इज सेंसरिंग। 17 तक हमने ऑब्जर्व करा है, 17 के बाद क्या हुआ ये हमें नहीं पता, तो उसको क्या माना है, उसने सेंसरिंग माना है। तो उसने ऑटोमेटिकली आपका डेटा प्लॉट करके दे दिया है पे 3, 4, 6, 11। और अगर आप समरी रन करते हो ए की, हालांकि इसके समरी में ज्यादा कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन है नहीं, ये सिर्फ आपको बता रहा है कि टाइम वाले वेक्टर में मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसका फर्स्ट क्वार्टाइल मीडियन क्या है, वी वोंट बी यूजिंग दिस, बट समरी में दिखाना चाह रहा था बस एक बार। एंड देन आती है ऊपर वाली कमांड कि सर्व फिट फंक्शन अगर अपने को लगाना है तो क्या करें। अगर आई एम कॉपिंग इट एज इट इज यहां से और मैं दिखा दूंगा कि यहां पर एक कॉन्फेंट और कॉन्फ टाइप, अगर इन दोनों को हटा भी दूं मैं, जो बाय डिफॉल्ट 0.95 और लॉग लेके चलते हैं, इनको मैं हटा भी दूं चल के तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सपोज इसको मैं फिट नाम के एक ऑब्जेक्ट में सेव कर लेता हूं, सो ओके सॉरी फॉर्मूला हमें चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूला उसने वहां से लिखा था। तो फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला क्या है हमारा, सर्व जो हमने ऊपर बनाया, जिसको हम यहाँ पे ए से भी लिख सकते हैं। मैं चाहूं तो ये पूरा टाइप कर दूं सर्व टाइम कॉमा डेल्टा, या फिर मैं क्या लिख दूं इसको ए लिख दूं। एंड दूसरा, फॉर्मूला हमेशा एक ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट तक जाता है। सो ए को मॉडल करना है यूजिंग वन, फॉर कैप्टन मेयर दिस विल ऑलवेज बी वन, बिकॉज हम कोई रिग्रेशन इक्वेशन नहीं फिट करने जा रहे हैं कि हमारा ए आउटपुट है और उसके लिए इनपुट वेरिएबल क्या है, तो कोई इनपुट वेरिएबल नहीं, दैट विल ऑलवेज बी वन। सो ए टिल्ड वन लिखोगे और फिट अगर रन करते हो इसको आप, और आप फिट को आप कॉल करो, तो यू विल सी कि कुछ इस तरीके का वो आंसर आपको दे रहा है कि एन क्या है, 15 है, इवेंट्स कितने हुए, 6। अब यहां पे इवेंट्स से इसका मतलब है डेथ्स, डेथ्स कितनी हुई है, 6। मीडियन को नॉट एप्लीकेबल बोल रहा है, एंड अल्टीमेटली इससे जो आउटपुट आ रहा है वो कोई आपके लिए सेंस नहीं बना रहा, आप नहीं समझ पा रहे हो एग्जैक्टली वो कर क्या रहा है। और इस केस में हेल्प करती है आपको आके समरी, कि अगर मैं इस मॉडल की समरी देखूं जाके, सो आप देखोगे ये वैसा ही टेबल बना के उसने आपको दे दिया जैसा आप क्लास नोट्स में बना रहे थे। सो ये हो गया आपका पहला कॉलम टीजे, दूसरा कॉलम आपका हो गया एनजे, तीसरा कॉलम हो गया आपका क्या डीजे, थर्ड कॉलम आपका क्या हो गया एस हैट टी, थर्ड कॉलम क्या है आपका एस हैट टी। देन उसके करस्पॉन्डिंग जो हम ग्रीनवुड फॉर्मूला से वेरियंस निकाल रहे थे उसका अंडर रूट, दैट इज उसका स्टैंडर्ड एरर आ गया। एंड ये साथ साथ उसका क्या निकाल के दे रहा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल के देता है, एंड दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल इज बाय डिफॉल्ट 95%, बाय डिफॉल्ट 95% वो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको निकाल के दे रहा है। एंड इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप सपोज मैं प्लॉट बनाता हूं फिट का, तो यू विल सी कि एक स्टेप फंक्शन जैसा हम बनाते थे विद कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये डॉटेड लाइंस क्या बता रही है, करस्पॉन्डिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल, विद करस्पॉन्डिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो आपको आंसर में यहां पे दिखाई दे रहा है। अब यू विल नोटिस कि यहां पर कॉन्फिडेंस इंटरवल की अपर लिमिट दो बार क्या आ रही है, 1 आ रही है। मैंने क्लास नोट्स में भी एक बात बोली थी कि सर्वाइवल फंक्शन का अगर आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे हो तो नेगेटिव नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो जस्ट इन केस आपकी 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसे 1 पे ही क्या करो, अल्टीमेटली रोक दो। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पॉइंट एस्टिमेट है 0.993, इसकी अपर लिमिट निकाल रहा हूं तो 1.96 इंटू जो भी करस्पॉन्डिंग मेरा स्टैंडर्ड एरर होगा वो है मेरा 0.0644, स्टैंडर्ड एरर को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं तो यू विल नोटिस आपका आंसर 1.059224। ऑल दो आंसर 1 से बड़ा आ रहा है लेकिन उसने ऑटोमेटिकली उसको 1 पे रोक दिया, तो आपको वो टेंशन नहीं लेनी, वो आर आपके बिहाफ पे काम कर रहा है। सो हमने ये रहा मेरा मॉडल, अगेन इसको मैं कमांड चेंज करके आपको दिखा देता हूं, मैं ए ना लिख के यहां पे सीधा सर्व टाइम कॉमा डेल्टा लिखूं एंड यहां से दोनों चीजें हटा दूं, बाकी ना कॉन्फिडेंस इंटरवल स्पेसिफाई करूं ना कॉन्फिडेंस टाइप स्पेसिफाई करूं, और सीधा मैं इसको रन करूं। और अगर मैं अब समरी ऑफ फिट को कॉल करता हूं, यू विल नोटिस कोई भी चेंज आपके आंसर में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, कॉन्फिडेंस इंटरवल बाय डिफॉल्ट 95% निकालेगा, कॉन्फिडेंस टाइप वो बाय डिफॉल्ट लॉग लेके चलेगा, बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलेगा, लॉग लेके चलेगा। सो आपको जस्ट सिर्फ जब कॉन्फिडेंस इंटरवल चेंज करने की नौबत आए वो 90% मांग ले तो हमें ये आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत है, अदरवाइज में सिंपल सा फॉर्मूला सर्व फिट अपना जो फॉर्मूला है टिल्ड वन, ध्यान रखना टिल्ड वन करेंगे तो मुझे कैप्लन मेयर का आंसर निकाल के दे देगा, क्योंकि ये बात यहां पे नहीं लिखी हुई है, उन्होंने सिर्फ फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया यहां पे।
अब बुक में तो खाली इतनी बात है, ये हो गया हमारा कैप्लन मियर का एस्टीमेट जो हमें निकाल के दे रहा है। अगर ये आंसर आप वेरीफाई करना चाहो, मैं दिखा देता हूं बुक का आंसर इसका। तो ये रहा बुक का आंसर कि थ्री टाइम पर, टाइम थ्री पर आपका जो सर्वाइवल फंक्शन की वैल्यू है 0.9333 ये आ रहा है, और हमारे केस में भी 0.933, ये तीन डेसिमल प्लेस तक आंसर दे रहा है। देन 0.867, देन 0.722, 0.642 एंड 0.535। ये सारे आंसर्स आपको वो अल्टीमेटली निकाल के दे रहा। प्लॉट बनाना तो सिंपल, प्लॉट कमांड। मैं यहाँ नेमिंग कन्वेंशन में नहीं गया हूँ प्लॉट की, जस्ट इन केस आपको अगर नेमिंग कन्वेंशन में जाना है तो आप क्या बोलोगे, प्लॉट बना दे फिट का। एक्स लेबल क्या हो गए हमारे, तो बोलेंगे टाइम। वाई लेबल क्या हो गया, दैट इज सर्वाइवल फंक्शन, और सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी बोल लो एक ही बात है। एंड देन मेन हेडिंग जो मैं इसकी दे दूं, दैट इज कैप्लन-मेयर एस्टीमेट ऑफ सर्वाइवल फंक्शन। तो आपके प्रॉपर हेडिंग्स के साथ ग्राफ बन के आ जाएगा। सो नेक्स्ट, अगर मुझे अब इसी से नेल्सन एलन निकालना, बुक में इसके बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ नेल्सन एलन के बारे में, तो अब उसको कैसे देखें। तो फिट में मैंने अपने मॉडल के आउटपुट को सेव किया था, और मैं फिट के साथ अगर आप डॉलर साइन लगाता हूं तो मैं देख रहा हूं मेरे आउटपुट में ये सारी चीजें मैं देख पा रहा हूं चल के, और ये सारी चीजें हम यहां पे भी देख पा रहे हैं। तो अगर मुझे सपोज अपने एनजे का काउंट चाहिए, तो ये क्या हमारा एनजे है, हम पहले गए तो एनजे 15, फिर 14, फिर 12, फिर 9, फिर 6, एंड वो 85 तक जा रहा है अल्टीमेटली, क्योंकि वो आगे वाले सेंसरिंग वाले इवेंट्स को भी ले रहा है चल के। अगर सिमिलरली मैं फिट डॉलर एन इवेंट बोलूं तो किस टाइम पर कितनी कितनी डेथ हुई है, तो वो अपने को आंसर ऐसे दिखा रहा है। सो बेसिकली ये काम कर रहा है एनजे के लिए, और ये काम कर रहा है आपका डीजे के लिए। पहला वाला काम कर रहा है एनजे के लिए, दूसरा वाला काम कर रहा है किसके लिए, डीजे के लिए। सो फॉर नेल्सन एलन मॉडल वी नीड कैपिटल लैम्डा, और कैपिटल लैम्डा हम कैसे निकालते थे, तो हम समेशन करते थे स्मॉल लैम्डा का, और स्मॉल लैम्डा निकालने के लिए हम क्या करते थे, डीजे डिवाइडेड बाय एनजे करते थे। स्मॉल लैम्डा के लिए आप डीजे डिवाइडेड बाय एनजे करते थे। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं फिट डॉलर इवेंट, ये हो गया मेरा डीजे, डिवाइडेड बाय फिट डॉलर एन रिस्क करूंगा दैट इज माय एनजे, तो मुझे डीजे बाय एनजे की वैल्यू देता रहेगा, मुझे डीजे बाय एनजे की वैल्यू देता रहेगा, दैट इज लैम्डा जे हैट आ गया। बट मुझे लैम्डा जे हैट को एड करना है, वो भी क्यूमुलेटिवली, तो आई विल यूज क्यूमुलेटिव सम, यूज क्यूमुलेटिव सम, और अगर मैं क्यूमुलेटिव सम को अब कॉल करता हूं तो यू विल सी कि इस तरह से मेरा क्यूमुलेटिव सम बन के आ रहा है, एंड दिस इज नथिंग बट योर अपनी थ्योरी के हिसाब से कैपिटल लैम्डा, दैट इज योर कैपिटल लैम्डा। अब अगर मुझे नेल्सन एलन एस्टीमेट चाहिए तो क्या करना है मुझे, ई रेस टू द पावर माइनस कैपिटल लैम्डा। तो अगर मैं सपोज मैं एस एन ए निकालने जा रहा हूं यहां पे, इस ऑब्जेक्ट में मैं सेव कर लेता हूं, तो मैं आंसर विल बी ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ, इसको सपोज हम कैपिटल एल नाम के ऑब्जेक्ट में सेव कर ले रहे हैं कैपिटल लैम्डा के लिए, एंड ई रेस टू द पावर माइनस एल को हम कॉल करते हैं, और एस एन ए निकाले, तो ये मेरी करस्पॉन्डिंग कैपिटल, अगेन ये उतना अच्छे तरीके से प्रेजेंटेड नहीं है आंसर, तो आपको यहां पर यह गेस करना पड़ेगा ये टाइम थ्री के लिए है, तो जो नेक्स्ट चेंज हुआ होगा टाइम फोर के लिए हुआ होगा, ये टाइम जो नेक्स्ट मेरी डेथ हुई होगी उसके लिए काम करेगा, लेकिन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपके पास जरूर निकल के आ जाएंगे जिनको आप देख सकते हो अल्टीमेटली जाके। सो अगर इसी के थ्रू जाना है तो, अदरवाइज फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच आपने देखी हुई है, आप उससे भी नेल्सन एलन की कैलकुलेशन अल्टीमेटली जाके कर सकते हो। सो लास्ट जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज स्पेसिमन एग्जाम क्वेश्चन, जिसमें हम इस सर्वाइवल पैकेज को अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, एंड उसी के थ्रू हम कॉक्स प्रोपोर्शनल हजार्ड मॉडल पे भी कैसे इस पैकेज को यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। सो उस काम को मैं पूरा इस नए स्क्रिप्ट में कर रहा हूँ, क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वेबसाइट पर अवेलेबल ऑलरेडी, और उसके लिए हमें एक डेटा फाइल पहले डाउनलोड करनी है, दैट इज survival.csv, जिसके अंदर उन्होंने 4091 वेमेन का डेटा दे रखा है, एंड उस डेटा में क्या बोला गया कि डेट ऑफ फर्स्ट कोहेबिटेशन एंड डेट ऑफ फर्स्ट बर्थ, उस ड्यूरेशन को अपने मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे लिए अगर कोहेबिटेशन से लेकर बर्थ अगर नहीं हुआ है तो अभी भी सर्वाइवल, वो मेरे लिए सर्वाइवल की तरह काउंट होगा, एंड इवेंट वो टाइम काउंट होगा जहां पे कोहेबिटेशन की डेट से लेकर अगर बर्थ हो गया है तो वहां पर मेरा इवेंट ऑफ इंटरेस्ट अगर हो गया है, एंड उसके बाद में उस डेट लाइफ को ऑब्जर्व नहीं करूंगा, यानी वो मेरे लिए इवेंट ऑफ इंटरेस्ट वाली लाइफ है जहां बर्थ हो गया है डेट ऑफ सर्वे से पहले,
और जहां डेट ऑफ सर्वे से पहले बर्थ नहीं हुआ वो मेरे लिए लाइफ कैसी मानी जाएंगी, सेंसर्ड, वो उसने यहाँ पे बता भी रखा है, वुमेन हु हैड नॉट गिवन बर्थ बिफोर दिस सर्वे वर ट्रीटेड एज सेंसर्ड एट सर्वे डेट। सो हमें कॉलम्स दे रखे हैं, ये मैं फाइल में भी साथ साथ आपको दिखा देता हूँ। इन कॉलम्स में अपने को क्या क्या डेटा दे रखा है वो मीनिंग उसने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि सबसे पहले ड्यूरेशन नाम का जो कॉलम है वो ड्यूरेशन बता रहा है मंथ्स में बिटवीन फर्स्ट कोहेबिटेशन एंड फर्स्ट बर्थ, कि वो ड्यूरेशन कोहेबिटेशन स्टार्ट होने से लेकर बर्थ तक जाने में कितना टाइम लगा उसको आप क्या बोल रहे हो, ड्यूरेशन बोल रहे हो यहाँ पर। और अगर बर्थ नहीं हुआ है तो वो ड्यूरेशन सेंसरिंग का ड्यूरेशन माना जाएगा। एंड सेकेंड कॉलम में इवेंट है जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अगर बर्थ हो जाता है, बिकॉज दैट वॉज माई इवेंट ऑफ इंटरेस्ट, अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फर्स्ट पार्ट में कैप्लन-मीयर मांगा गया है और उसके लिए मुझे इन दो कॉलम के अलावा किसी और कॉलम की जरूरत अभी नहीं है। When we'll come to Cox regression model, मैं तब इन कॉलम्स को अपने डिस्कस करेंगे। So, दो ही चीजों की हमें जरूरत थी अगर हम देखें अपना सिंटेक्स भी जाके। So, एक टाइम नाम का वेक्टर डिफाइन करना था, तो वो टाइम नाम का वेक्टर तो हमारा ये हो गया ड्यूरेशन वाला पूरा कॉलम, इसमें टाइम से दे रखे कब सेंसरिंग हुई कब डेथ हुई। एंड एक वेक्टर हमने डेल्टा बनाया था 0 और 1 वाला, 1 उन लाइफ के लिए जिनके लिए इवेंट ऑफ इंटरेस्ट हुआ और 0 उनके लिए जिनके लिए सेंसरिंग हुई, वो भी यहां बनाना नहीं है बिकॉज ऑलरेडी डेटा में दे रखा है वो 1-0 बना के, वो भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो जिस लाइफ के सामने 1 लिखा है वहां वहां इवेंट ऑफ इंटरेस्ट अकर हुआ है, जहां जहां 0 लिखा है वहां वहां क्या हुई, आपकी सेंसरिंग हुई है। तो बस मैं पहले इस फाइल को कॉल कर ले रहा हूँ। अच्छा, ये सीएसवी फाइल है और इसके अंदर हेडर्स है ये आप देख पा रहे हो, तो मैं इसको इम्पोर्ट कर रहा हूँ से डेटा के नाम से यूजिंग रीड डॉट टेबल कमांड। फाइल नेम है cs2v_survival .csv। मेरे केस में फाइल नेम ये है cs2b_survival.csv एंड इसके अंदर सेपरेटर जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज कॉमा एंड जो हेडर अपने यूज कर रहे हैं दैट इज ट्रू, हेडर है इसका। और अगर मैं अब डेटा को कॉल करता हूं तो यू विल सी कि 4091 जो ऑब्जर्वेशन उसने मुझे बोला था वो ऑब्जर्वेशन आ गई है ऑफ 10 वेरिएबल्स। तो अगर मैं कॉलम्स का काउंट देखूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी मेरा डेटा प्रॉपर तरीके से यहां पर इंपोर्ट हो गया है। ऑल दो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू उसने साफ साफ बोला आपको कोई डेटा इंपोर्ट तो नहीं करना है, तो आपको इसका मान में उतना इंटरेस्ट मुझे पता नहीं होगा अभी, क्योंकि आप इनबिल्ट डेटा सेट ही यूज करोगे। तो अगर मैं डेटा को हेड फर्स्ट 6 वैल्यूज देखना चाहता हूँ इस डेटा के, तो ये मेरी फर्स्ट 6 वैल्यूज बन के आ रही है। अगर मैं बिना सेपरेटर के इसको इंपोर्ट करता तो आप देखते हैं कॉमास लगे होते हैं, तो मैंने विद कॉमा यहाँ पर इंपोर्ट करा तो उसने सेपरेटर अप्लाई करके प्रॉपर तरीके से आपको डेटा दिखा दिया है। सो हमने बोला हम टाइम नाम का एक वेक्टर बनाएंगे पहले, हम अपने पुराने वेक्टर को अपडेट कर रहे हैं। सो टाइम नाम का वेक्टर का जो डेटा है वो डेटा फाइल में ड्यूरेशन के अंदर सेव है। सो मैंने डेटा से कॉल कर लिया ड्यूरेशन को और मैंने टाइम नाम का वेक्टर अपना बना दिया। और टाइम में आप देखोगे तो उसमें 4091 वैल्यूज है। अगर मैं हेड ऑफ टाइम अब कॉल करूं तो यू विल सी फर्स्ट 6 वैल्यूज वो आपको दिखा रहा है वो प्रॉपर्ली आपकी आ गई है। और दूसरा वेक्टर आप बना रहे थे बुक के हिसाब से डेल्टा, तो डेल्टा का सारा डेटा डेटा फाइल के इवेंट नाम के कॉलम में स्टोर है, तो हमने वहां से कॉल कर लिया अपना वेक्टर डेल्टा। एंड देन हमारा पहला काम इज टू अप्लाई दी सर्व फंक्शन और उसमें हम कैपिटल एस यूज कर रहे थे, सर्व टाइम कॉमा डेल्टा, ये कमांड आपने यूज करी थी। और उसको सपोज हमने किसी ऑब्जेक्ट ए में सेव कर लिया और ए को हम कॉल करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आ रहा था हमने देखा था वो क्या बता रहा था, हर लाइफ के साथ प्लस लगा देगा या नहीं लगाएगा। तो जिन जिन के साथ प्लस नहीं लगाया है वहां वहां डेथ हुई है और जहां प्लस लगाया है वहां क्या हुई है, आपकी सेंसरिंग हुई, वहां क्या हुई आपकी सेंसरिंग हुई। जैसे कि मेरे डेटा की अगर मैं फिफ्थ लाइफ देखूं जाके ओरिजिनल फाइल में, तो फिफ्थ लाइफ के सामने 0 लिखा हुआ तो उसने प्लस लगा दिया, यानी वो लाइफ कैसी लाइफ है मेरे लिए, वो मेरी सेंसर्ड लाइफ है, वो लाइफ मेरी कैसी लाइफ है, सेंसर लाइफ है। सो फाइनली अगर हम मॉडल फिट करें फिट नाम के ऑब्जेक्ट से, तो जो फंक्शन हम यूज कर रहे थे दैट वाज सर्व फिट और उसका पहला जो इनपुट था दैट वाज जो पहला आर्गुमेंट हम डाल रहे थे दैट इज फॉर्मूला। और फॉर्मूला के लिए मैंने आपको बोला आप ए टिल्ड 1 टाइप कर लो या फिर SURV सर्व टाइम कॉमा डेल्टा टिल्ड 1 डाल लो, बात एक ही है क्योंकि हमने इस चीज को ए में सेव कर लिया है तो बेटर यही है कि मैं यहां पर ए लिखूं। नहीं लिखना चाहते आप इसको लिखो वहां पे टिल्ड 1 क्योंकि हम कैप्लन-मीयर निकाल रहे हैं, टिल्ड 1 लिख रहे हैं। अभी जब प्रोपोर्शन हजार्ड में आएंगे तब मैं दिखाता हूं ये टिल्ड से और हम क्या क्या कर सकते हैं अल्टीमेटली जाके। बाय डिफॉल्ट वो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहा था एंड बाय डिफॉल्ट वो जो कॉन्फिडेंस का टाइप लेके चल रहा था लॉग लेके चल रहा था, तो मैं वो कुछ भी अब डिफाइन नहीं कर रहा हूं। और अगर मैं समरी कॉल करूं फिट की तो कुछ इस तरह की टेबल आपकी बन, यहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा है
इसलिए समरी कॉल करना वैसे सेंसिबल नहीं था, बट मैं फिर भी दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया आपका टीजे का कॉलम कि किस किस टाइम पर इवेंट हुए, ये आपके एनजे का कॉलम, ये आपका डीजे का कॉलम, ये आपका सर्वाइवल फंक्शन यानी एस हैट टी, ये उसके करस्पॉन्डिंग आपका स्टैंडर्ड एरर, एंड ये आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल की लिमिट्स, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। हमारा अगर पहला क्वेश्चन हम देखें जाके, तो वो कह रहा था प्लॉट द कैप्लन-मेयर एस्टीमेट ऑफ सर्वाइवल फंक्शन, एंड यू विल नोटिस कि अब उसको प्लॉट करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, अगर मैं पीछे से चाहूं तो कॉपी कर सकता हूं, बस प्लॉट कमांड है और यहां से लेबल्स भी मेरे एड्रेस कॉपी हो जाएंगे। So, कुछ इस तरीके का आपका प्लॉट बन के आ रहा है, प्लीज ध्यान से देखना बहुत ही, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है, यहाँ बना स्टेप फंक्शन ही है, या ये बना हुआ स्टेप फंक्शन, लेकिन अल्टीमेटली इसको देखेंगे तो बहुत क्लोज क्लोज वैल्यूज अपनी चल रही है, इसलिए अपने को उतने बड़े चेंजेस दिखाई दे नहीं रहे, लेकिन दिस इज अ प्रॉपर स्टेप फंक्शन, एंड लोअर लिमिट अपर लिमिट कॉन्फिडेंस इंटरवल की दोनों चीजें आपको यहाँ पे दिखाई गई। आपको पता है कि अगर एग्जामिनर अब सर्वाइवल फंक्शन नेल्सन एलन का मांग ले तो कैसे अपने को निकालना है अल्टीमेटली जाके, या तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच लगाएंगे उसके लिए क्योंकि इस पैकेज के अंदर उसके बारे में कुछ नहीं है, या फिर हम क्या करेंगे अल्टीमेटली ई रेस्ट, हम जिस तरह से यहां पर एस एन ए निकाल रहे थे अपना पहले क्यूमुलेटिव सम कैपिटल लैम्डा के लिए, वो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। सो नेक्स्ट पार्ट कह रहा है एस्टिमेट अ कॉक्स रिग्रेशन मॉडल ऑफ द ड्यूरेशन बिटवीन कोहैबिटेशन एंड फर्स्ट बर्थ यूजिंग ऑल वेरिएबल ऑल अवेलेबल कोवेरिएंट्स डिस्क्राइबिंग योर रिजल्ट। सो कोवेरिएंट का मतलब है आपके पास डेटा के नाम पर है क्या क्या, सो इन दोनों को यूज करके हमें मॉडल बनाना है, वो तो हमारा फॉर्मूले में चला ही गया। उसके अलावा बचे हुए आपके 8 कोवेरिएंट हो गए, मतलब एज है, अर्बन है या नहीं है, पुअर है या नहीं, पुअरेस्ट है या नहीं है, पुअर है, मिडिल क्लास है, ये हमने क्या करा अल्टीमेटली एक कैटेगरी रही होगी हमारे डेटा के अंदर। एक जेड कोवेरिएंट रहा होगा जिसमें हम क्या बताते, जिसके अंदर 4 कैटेगरी है, एक जेड में 4 कैटेगरी है, अगर 4 कैटेगरी है तो इसके रिस्पेक्ट में कितने अपने बीटा आएंगे, तो हमारे 3 बीटा आएंगे निकल के, वो सब हमें काम करना नहीं, हमारे लिए वो आर करेगा। एंड लास्ट बता रहा है ईयर, आई थिंक ईयर में वो क्या बता रहा है देख लेते हैं, यस तो यहाँ पे बता रहा है कि एज है, एज वाले कॉलम में वुमेन की स्टार्ट, जब हमने सर्वे स्टार्ट करा तब क्या एज थी, अर्बन नॉट सॉरी जहां से हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी वहां पे क्या एज रही होगी, अर्बन वैल्यू 1, अगर अर्बन एरिया में रहती थी तो 1 वरना 0, पुअरेस्ट है तो 1 अदरवाइज 0, पुअर वाले के लिए पुअर है तो 1 अदरवाइज 0, मिडिल क्लास है तो 1 अदरवाइज 0, रिच है तो 1 अदरवाइज 0, एंड ईयर ऑफ ईयर में क्या बोल रहा है डेट ऑफ फर्स्ट कोहैबिटेशन, और उसको मेजर करा गया कैसे 1900 से माइनस करके, यानी अगर अप्रैल 97 में उसका फर्स्ट कोहैबिटेशन हुआ था तो उसमें से 1900 को माइनस करके वो डेटा आपका अल्टीमेटली निकाला गया। एंड लास्ट लोअर टेक्स वैल्यू 1 अगर उसके लिए लो लेवल ऑफ एजुकेशन है, अदरवाइज वैल्यू क्या है आपकी 0, वो डेटा उसने सारा यहां पर एक्सप्लेन करा हुआ है। सो इन टोटल देर आर 8 कोवेरिएंट्स, इन टोटल देर आर 8 कोवेरिएंट्स अपने अल्टीमेटली बोल सकते हैं जो यूज करेंगे, और उसके बेसिस पर अपने को कॉक्स प्रोपोर्शन हजार्ड मॉडल क्या करना है जाके फिट करना है। सो मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं, नेम जो दे रहा हूं दैट इज, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना सेकंड पार्ट दैट इज कॉक्स फिट, उस मॉडल को सपोज कॉक्स फिट का नाम दे रहा हूं, एंड द फंक्शन वी विल बी यूजिंग टू फिट द कॉक्स प्रोपोर्शनल हजार्ड मॉडल दैट इज कॉक्स पीएच, दैट इज कॉक्स पीएच, इस सर्वाइवल पैकेज के अंदर ही बना हुआ फंक्शन है दैट इज कॉक्स पीएच। अगेन इसका भी पहला जो आर्ग्यूमेंट अपने को इनपुट कराना है वो क्या इनपुट कराना है, फॉर्मूला, वो क्या इनपुट कराना है फॉर्मूला, और फॉर्मूला को हमने ए में सेव करा हुआ है, अगेन ए से कॉल करना चाहे तो ए से कॉल कर ले, या फिर सर्व टाइम कॉमा डेल्टा लेना चाहे तो सर्व टाइम कॉमा डेल्टा ले ले। तो ये तो हो गया मेरा फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को अपने को मॉडल करना है किस किस के बेसिस पे, और मॉडल किस किस के बेसिस पे करना है वो देखेंगे अपने चल के। तो हमने बोला पहला जो चीज है कोविड दैट इज एज, एंड प्लीज राइट कैपिटल एज ओनली बिकॉज अपनी डेटा फाइल के अंदर ये जो नाम जैसे यूज है मैं वही यूज कर रहा हूं, एज देन प्लस अर्बन प्लस पुअरेस्ट, पुअरेस्ट प्लस पुअर मिडिल रिच ईयर लोअर, रिच प्लस ईयर प्लस लोअर, तो ये सारे मेरे एक तरह से इनपुट वेरिएबल है, और ये फॉर्मूला जो मेरा सर्वाइवल फंक्शन है अल्टीमेटली वो क्या है मेरा आउटपुट वेरिएबल है। तो टिल्ड के बाद जो चीजें लिखी जाएंगी दो सारे और इनपुट वेरिएबल, दो सारे और इनपुट वेरिएबल्स, और जो आउटपुट में चाहिए दैट इज सर्वाइवल फंक्शन, वो आपने टिल्ड के पहले लिखा हुआ है।
ये सारी चीजें अभी देखो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट आपने डिफाइन तो करे नहीं हुए कि आर को समझ में आ जाए एज क्या है, डेटा क्या है, सॉरी अर्बन क्या है, पुअरेस्ट क्या है। तो लास्ट में हम बोल रहे हैं ये वैल्यू मिलेगी कहां पे जाके, उसके लिए जो डेटा आपको यूज करना है उसको मैंने भी डेटा नाम के ऑब्जेक्ट में ही सेव करा हुआ है, इसलिए मेरे को कुछ यहाँ पे चेंज करना नहीं पड़ रहा। क्योंकि डेटा, ये जो मैंने डेटा लिखा ये फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है कि डेटा कौन सा उठा रहा हूं, तो उस डेटा को मैंने सेव करा हुआ डेटा नाम के ही ऑब्जेक्ट में, इसलिए मैं यहां पर डेटा इज इक्वल टू डेटा लिख रहा हूं। और अगर मैं इसको रन करता हूं एंड देन मैं कॉक्स फिट को कॉल करूं तो यू विल सी कि ऐसा एक आउटपुट आपका निकल के आएगा। थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। यस, तो फॉर्मूला जो यूज करा गया वो फॉर्मूला दिखा रहा है पहले तो यहां पे जो हमने लिखा, एंड जो डेटा यूज करा गया उसके लिए वो डेटा वाला यूज करा। एंड आप देखोगे क्या क्या दिखा रहा है। पहले दिखा रहा है कोफिशियंट, ये हो गए हर कोवेरिएट के करस्पॉन्डिंग जो बीटा आएगा, हर कोवेरिएट के करस्पॉन्डिंग जो बीटा आ रहा होगा ये बीटा दिखा रहा है अपने को अल्टीमेटली। देन अगर हम ई टू दी पार बीटा जेड निकाले, जिससे हम ये देखते थे कि वन से बड़ा आंसर आ रहा है तो उसके प्रेजेंस में हजार बढ़ रहा है, वन से छोटा आंसर आ रहा है तो उसके प्रेजेंस में हजार्ड घट रहा है, ये ई टू द पावर कोफिशिएंट की वैल्यू आपको निकाल के दी गई। देन उसका स्टैंडर्ड एरर निकाल के दिया गया, एंड ये उसका जेड स्कोर, एंड साथ में उसकी क्या दी गई, पी वैल्यू दी गई, साथ में क्या दी गई उसकी पी वैल्यू। अब प्लीज ध्यान से मेरी बात को यहां पर सुनना, जितनी छोटी पी वैल्यू आएगी, जितनी छोटी पी वैल्यू आएगी उतना सिग्निफिकेंट आपका पैरामीटर है, उतना सिग्निफिकेंट आपका पैरामीटर है। इफ यू रिमेंबर बेटा, हम जो एच नॉट इसके लिए टेस्टिंग करेंगे वो ये होगा कि बीटा वन is equal to beta 2 is equal to beta 3 and so on is equal to beta 8 is equal to 0। हमारा h not क्या होता है कि हमने हम जो चीजें ऐड कर रहे हैं उनका कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं आ रहा है, उनका कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं आ रहा है और हम हटाना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा कोवेरिएट को। तो जिस कोवेरिएट के लिए जो मेरी p वैल्यू आ रही है और वो 5% से कम आती है, दैट इज अ सिग्निफिकेंट कोवेरिएट, that is a significant covariate, जहां ना p वैल्यू 5% से कम आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला कोवेरिएट एज देखूं तो p वैल्यू बहुत छोटी आ रही है, दैट इज अ सिग्निफिकेंट कोवेरिएट। अर्बन पुअरेस्ट देखूं तो 22%, 53%, 12%, 70%, इनकी वैल्यू उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। एंड दूसरा अगर मैं देखूं जाके तो लास्ट में क्या आ रहा है आपका लोअर, उसकी वैल्यू भी 5% से कम आ रही है, तो दैट इज अ सिग्निफिकेंट कोवेरिएट इस केस में अगर हम बोले। तो यहां पर हमें बोला गया था क्वेश्चन में एस्टिमेट द कॉक्स रिग्रेशन मॉडल ऑफ ड्यूरेशन बिटवीन कोहैबिटेशन एंड फर्स्ट बर्थ यूजिंग ऑल अवेलेबल कोवेरिएट्स डिस्क्राइबिंग योर रिजल्ट। तो हम ये बोलेंगे कि हमारे को जो अभी दिखाई दे रहा है वो एज और लोअर दो इंपॉर्टेंट कोवेरिएट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनका सिग्निफिकेंट रोल है। दूसरी चीज हम देखें तो एज के प्रेजेंस में क्या देख रहे हैं अपने कि हमारा जो हैजार्ड है वो कम हो जाएगा, हमारा जो हैजार्ड है वो कम हो जाएगा, लोअर के प्रेजेंस में भी हैजार्ड कम हो जाएगा, ईयर की प्रेजेंस में ऑलमोस्ट हैजार्ड वैसा ही रहेगा। वहीं पे अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है अगर हैजार्ड कहीं तो 1. पुअर के रिस्पेक्ट में आपका हैजार्ड सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, दैट इज 1.095478। तो उसके रिस्पेक्ट में मेरा हैजार्ड क्या है सबसे ज्यादा यहां पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो हम ऐसा बोलेंगे अभी अब अगर थर्ड पार्ट पे आए जाके तो कह रहा है बाय अप्लाइंग द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट एस्टीमेट द पार्सिमोनियस कॉक्स रिग्रेशन मॉडल इंक्लूडिंग ऑल स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कोवेरिएट। नाउ व्हाट इज पार्सिमोनियस अप्रोच, कि हम एक्स्ट्रा फैक्टर या एक्स्ट्रा कोवेरिएट ऐड करने को तैयार है लेकिन हम तब ऐड करेंगे अगर उसका मेरे मॉडल के ऊपर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आ रहा होगा। अभी तो मैंने आठों की आठों चीजें ऐड कर दी है, तो जब आपको यह देखना स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है तो पहली चीज जो आप ऐड करके देखना चाहोगे वो होगी एच, क्योंकि सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट वही आ रहा है, क्योंकि सबसे छोटी पी वैल्यू उसकी आ रही है, तो दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर जो अभी मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं थर्ड पार्ट को यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं और यहां पे मुझे हिटन ट्रायल से जाके चेक करना पड़ेगा भाई कहां पर मेरा लाइकलीहुड रेशो टेस्ट बेटा उसी को बोल रहा है जो आप अल्टीमेटली क्लास में देख रहे थे कि ट्वाइस ऑफ L2 - L1 कर रहे थे और देख रहे थे अगर उसकी वैल्यू काई स्क्वेयर जो डिफरेंस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम या पैरामीटर है उससे बड़ी आ रही है तो मॉडल टू इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर मॉडल वन, मॉडल टू इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर मॉडल वन। सो मैं अब सपोज कॉक्स फिट वन नाम का एक मॉडल बनाता हूं, कमांड में एज इट इज ऊपर से कॉपी कर रहा हूं एंड सपोज खाली एज को लेता हूं, बाकी सबको हटा दे रहा हूं,
कि अगर अभी मेरा जो आउटपुट है वो सिर्फ एज पे डिपेंड करता है, ऑल्दो इससे मैं पार्सिमोनियस बना नहीं पाऊंगा अप्रोच, क्योंकि एक ही चीज ऐड कर रहा हूँ, सेकंड ऐड करूंगा, थर्ड ऐड करूंगा, तब अपने देखेंगे चल के। और अगर मैं कॉक्स फिट वन को कॉल करता हूं तो यू विल सी कि कुछ इस तरीके का आपका आंसर दिखाई दे रहा है, पी वैल्यू और कम हो गई है, यानी और भी फैक्टर्स हैं जो एज को अल्टीमेटली अफेक्ट कर रहे होंगे, इसलिए आप आंसर देखोगे एज वाला फैक्टर आपका चेंज हो गया है, पी वैल्यू और गिर गई है अपनी। सो हम बोल रहे हैं एज के वजह से ये इंपैक्ट आ रहा है, अभी पार्सिमोनियस अप्रोच नहीं लग सकती बिकॉज उसके लिए कंपैरिजन करना है तो दो मॉडल की जरूरत पड़ेगी। सो ये मेरा पहला मॉडल है जहां पर एज इज द ओनली इनपुट वेरिएबल। नाउ अब इस मॉडल के अंदर मैं इंप्रूवमेंट ला रहा हूं एंड आई एम एडिंग, तो सेकंड सिग्निफिकेंट मेरा कोवेरेट आ रहा था वो लोअर आ रहा था, मैं मॉडल के अंदर क्या ऐड करता हूं, लोअर को ऐड करता हूं। मैं फॉर्मूला आज इट इज ऊपर से कॉपी कर रहा हूं, उसी के अंदर हम चेंजेस करेंगे, तो कॉक्स फिट टू निकाल रहे हैं सेकेंड मॉडल, और एज के साथ में क्या ऐड कर रहे हैं चल के, लोअर। और अगर मैं कॉक्स फिट टू को अब कॉल करता हूं तो जो मेरा लाइकलीहुड रेशियो का आंसर आ रहा है वो 20.45 आ रहा है, जो पहले 16.43 आ रहा था, वो 20.45 आ रहा है जो पहले 16.43 आ रहा था। अब अगर मैं चाहूं तो यहाँ कॉक्स फिट टू से सपोज डॉलर लगा, तो मैं एक बार कैलकुलेशन समझा दूं आपको कि लाइकलीहुड रेशियो आ कैसे रहा है, जैसे हम क्लास में निकाल रहे थे बेटा ये सेम ही चीज है। तो अब लॉग लाइकलीहुड को कॉल करो, जब आप लॉग लाइकलीहुड को कॉल कर रहे हो तो आप देख रहे हो आपके पास दो आंसर्स निकाल के वो दे रहा है, वो आपको दो आंसर्स निकाल के दे रहा है। अब मैं क्या करता हूं आपको, सपोज ये मेरा माइनस के साथ जो आंसर आ रहा है माइनस ऑफ दिस, बेटा लॉग लाइकलीहुड हमेशा माइनस में आंसर देगा बेटा, क्योंकि लाइकलीहुड इज अल्टीमेटली जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जिसका आंसर किससे किसके बीच में आएगा, जीरो से वन, और जीरो से वन के बीच के नंबर का कभी भी आप लॉग अप्लाई करोगे जाके तो आंसर आपको कैसा दिखाई देगा, नेगेटिव दिखाई देगा। सो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, प्लीज ध्यान से देखना, ये आपको करना नहीं है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वहां कैसे रहा वो बता रहा हूं। तो हम बोलते थे ट्वाइस ऑफ एल टू माइनस एल वन, ट्वाइस ऑफ एल टू माइनस एल वन। तो अगर हम इसको रन करते हैं यहां पर, मैंने डायरेक्टली माइनस और प्लस कर दिया है, तो यू विल सी 10.22 मेरा आंसर आ रहा है। और हम बोलते थे ट्वाइस, अगर मैं इसका ट्वाइस करूं अब आंसर का, दैट इज टू स्टार दिस आंसर, तो मेरा आंसर 20.44 जो इसको मैच कर रहा है। तो यहां पर वो फॉर्मूला लगा के उसने अल्टीमेटली आपको आंसर दे दिया, फॉर्मूला लगा के अल्टीमेटली उसने आपने आपको आंसर निकाल के दे दिया है। तो आंसर जो मुझे दिख रहा है वो 20.45 दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है 20.45। एंड जो डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रहा है वो मुझे क्या दे रहा है, अल्टीमेटली 2 दे रहा है, और इससे पिछले मॉडल में आंसर दे रहा था 16.23। अगर मैं डिफरेंस इन लॉग लाइकलीहुड रेशियो देखूं अल्टीमेटली जाके, तो वो मेरा 20.45 माइनस 16.23, ये मेरा डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वैल्यू 4.22 आ रही है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिफरेंस देखो तो वो कितने का है, 1 का, वो कितने का है, 1 का। तो हम निकालेंगे काई स्क्वायर 1 की वैल्यू, वो हम यहां पे भी निकाल सकते हैं, काई स्क्वायर 1 की वैल्यू अगर मुझे 5% पे चाहिए तो हम 0.95 बोलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बोलेंगे, 1, तो आंसर मेरा 3.84 आ रहा है। तो हमारा रेशियो में जो चेंज आया वो काई स्क्वायर से बड़ा आया, यानी कि वाकई लोअर को हमें ऐड करना चाहिए, लोअर को ऐड करने से मॉडल के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं। देन सिमिलरली मैं एक थर्ड मॉडल बनाता हूं, या फिर अगर इसको जो उन्होंने एग्जाम में करा हुआ डायरेक्टली जो हमारा ऊपर मॉडल आया था 8 वाला हमने रन करा था, वहां पे लाइकलीहुड रेशियो आपका 31.66 आ रहा है, वहां पे आपका लाइकलीहुड रेशियो जो आ रहा है वो 31.66 आ रहा है और हमारा 20.45 आ रहा है। तो हम इसी को डायरेक्टली एक बार कंपेयर कर लेते हैं, तो 31.66 में से माइनस करेंगे अपना 20.45, That is 11.21। और डिग्री ऑफ फ्रीडम देखे तो हमारे मॉडल में 2 है और हमारे 8 वाले में कितनी थी, 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी। तो काई स्क्वायर 6 पे जाके हम इसे कंपेयर कर लेते हैं, तो क्यू काई स्क्वायर 0.95, 6। तो आप देख रहे हो आपका आंसर 12.5, यानी कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है, तो चेंज लाइकलीहुड रेशियो में आ रहा है वो कम है एज कंपेयर टू काई स्क्वायर। और अगर वो कम है तो हम बोलेंगे जो हमारा पहला मॉडल है हम उसी पे स्टिक कर लेंगे, जो हमारा पहला मॉडल है 2 एज और लोअर वाला वही यूज करना बेटर है। 8 को ऐड करने से मॉडल में कोई भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमारी निकल के नहीं आ रही, कोई भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मॉडल में नहीं आ रही, सो इट इज बेटर कि आप एज और लोअर के साथ कंटिन्यू करो।
देखो पहले मैंने एज को ऐड किया, फिर लोअर को ऐड करा, एज के रिस्पेक्ट में लोअर को ऐड करा, तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज, तो ऐड करना चाहिए। फिर डायरेक्टली ऐसे आप एक एक करके भी ऐड करके देखते जा सकते थे, तो क्योंकि मैंने अभी आंसर देखा हुआ था और उसमें देखा था कि आठ को ऐड करने से सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है, सो मैं डायरेक्टली कंक्लूजन पर जंप कर गया। अल्टीमेटली एग्जाम सिनेरियो में आपको शायद एक एक करके चेक करना ही पड़ेगा कि किसके प्रेजेंस में, या तो आप भी आठ निकाल चुके हो पहले एग्जाम में कि सारे ऐड करके देख लेते पहले, फिर देखते कि सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है तो वी विल गो एंड ऐड, अदरवाइज वी विल नॉट ऐड एंड वी विल स्टिक टू द मॉडल जो हमने बनाया हुआ है कम कोवेरिएंट्स के साथ में। सो दिस कवर्स द पैकेजेस जो हम अल्टीमेटली डिस्कस करना चाह रहे थे। आप एक बार स्पेसिमेन पेपर देखना, इस एग्जांपल को और डिटेल में आप पढ़ना चाहो तो वहां जाके आप पढ़ सकते हो।